أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم Today we'll discuss about the problems of component based software engineering CBSE problems although there are lots of benefits rather than the problems in the CBSE there are some problems also occur in the CBSE so let's discuss them one by one first of all we'll talk about the component trustworthiness what is component trustworthiness component trustworthiness kya hai let's have a look at this statement ko dekhte hain how can a component with no available source code be trusted kaise ek component जिसमें सोर्स कोड की अवेलेबिलिटी नहीं है हम उसमें कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट ट्रस्टवर्थीनेस ये एक प्रॉब्लम है जी हमारे पास सेकंड कंपोनेंट की सर्टिफिकेशन कंपोनेंट सर्टिफिकेशन हु विल सर्टिफाई द क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट इटसेल्फ और द एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म यस कौन आपके कंपोनेंट की क्वालिटी को सर्टिफाई करेगा कंपोनेंट की खुद की एग्जीक्यूशन या कंपोनेंट का प्लेटफॉर्म इट मस्ट बी सर्टिफाइड योर क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट एज वेल एज इटसेल्फ और द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर द कंपोनेंट इट मस्ट बी सर्टिफाइड हु विल सर्टिफाई दिस इज ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन मार्क दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम नेक्स्ट वन इज emergent property prediction yes emergent property prediction mein hum kya dekhte hain ji isko samajhte hain how can the emergent properties of component compositions be predicted yes ki jo aapki special emergent properties hain khususiyat hain properties hain characteristics hain component ki specially component compositions ki main baat karunga usko aap kaise predict kar sakte hain uske bare mein kaise aap bata sakte hain theek hai ki pehle se aap prediction ho स्पेशली उसकी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज उसका कंपोजिशन क्या है सो दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क राइट नेक्स्ट वन इज द रिक्वायरमेंट्स ट्रेड ऑफ्स रिक्वायरमेंट्स ट्रेड ऑफ्स ये क्या है कि किस तरह से हम जो है ट्रेड ऑफ एनालिसिस कंपोनेंट्स के फीचर का और उसकी इंटेग्रेशन दूसरे कंपोनेंट्स के साथ उसका ट्रेड ऑफ एनालिसिस आप कैसे करेंगे इसमें अक्सर आप नहीं बताते इसका ट्रेड ऑफ एनालिसिस हाउ डू वी डू ट्रेड ऑफ एनालिसिस बिटवीन द फीचर्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड अनदर ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो हमारी प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है हमारे सीबीएसई के अंदर कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सीबीएसई के अंदर तो दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन मार्क ये कुछ चीजें थी जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई प्रॉब्लम्स के अंदर जी अब आगे मैं बात करूंगा कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेनिफिट्स की सीबीएसई बेनिफिट्स फर्स्ट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर स्पेशली इट्स इवॉल्वेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये जी बड़ा एक फ्रूटफुल और यूजफुल थिंग जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कैसे बढ़ती है last time I have discussed with you people the maintainability for example if we got errors in our system but these special kind of errors generally belong to the special part special component not from the whole component whole system hame sare modules sare components ko chhedna zaruri nahi hai jis component mein problem hai As we people know that ये इसका बड़ा फीचर है कॉम्पोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का reusability of the components हम उसको क्या करेंगे उस कॉम्पोनेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे निकालेंगे उसमें ठीक है उसमें से बग्स को रिमूव करेंगे उसमें प्रॉब्लम है मेंटेनेंस का ठीक है इससे क्या होगा हमारे क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इवॉल्वेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी आसान हो जाएगी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्रीज Yes, इसके अंदर हम फर्दर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं सीबीएसई रिक्वायर्स मेकिंग द डिपेंडेंसीज ऑफ कंपोनेंट्स एक्सप्लिसिट यस दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दैट जो आपकी डिपेंडेंसीज है कंपोनेंट्स की
जो आपकी कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसीज है राइट वो एक्सप्लिसिट होंगी। इससे क्या होगा, जब आप एक्सप्लिसिट बनाते हैं इसको, तो आपके प्रोग्रामिंग एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, स्पेशली एरर्स अकरिंग फ्रॉम द अननोन और अनडॉक्यूमेंटेड डिपेंडेंसीज, ये ऐसी डिपेंडेंसीज जो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंसीज आपकी क्या होंगी, अनडॉक्यूमेंटेड डिपेंडेंसीज, उससे आपके प्रोग्रामिंग एरर्स रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है। सो इन दैट सेंस के हमारे कंपोनेंट्स की आपस में डिपेंडेंसीज हैं, जब हम उसको स्प्लिट कर रखेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड है, तो उनको हम कहेंगे अनडॉक्यूमेंटेड डिपेंडेंसीज के अंदर आ गए, वो डिपेंडेंट है लेकिन वो अनडॉक्यूमेंटेड डिपेंडेंसीज के अंदर आ गए। सो इससे हमारे क्या होगा, इट विल रिड्यूस द प्रोग्रामिंग एरर्स जब हम इनको एक्सप्लिसिट रखेंगे। जी नेक्स्ट में बात करूंगा, द मोर अ कॉम्पोनेंट इज रीयूज्ड द मोर लाइकली इट इज दैट एरर्स आर फाउंड एंड रिमूव्ड। यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो, लेट्स हैव अ लुक स्टेटमेंट, द मोर अ कॉम्पोनेंट इज रीयूज्ड। यस एज वी पीपल नो दैट कि ज्यादातर मैं कॉम्पोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बात करता हूँ रीयूजबिलिटी की, राइट right? तो जितने ज्यादा आप रीयूज करेंगे उस कंपोनेंट को बार बार, तो हमारे क्या होगा, दैट एरर्स आर फाउंड एंड रिमूव्ड, ज्यादा से ज्यादा एरर्स हमें उससे पता चलते जाएंगे, हम उन बग्स को साइडलाइन करेंगे, रिमूव करेंगे ढूंढ के। तो जितनी दफा हम इसको रीयूज करेंगे, द मोर लाइकली इट इज दैट एरर्स आर फाउंड एंड रिमूव्ड। ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है जी, बड़ा अच्छा फीचर है सीबीएसई का। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स आर यूजुअली टेस्टेड थॉरली बिफोर आर ऑफर्ड टू द थर्ड पार्टीज। जी जब तक हम अपने हर कंपोनेंट को थॉरली टेस्ट नहीं करते, हम थर्ड पार्टीज को उसको देते नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पूरा सिस्टम उस कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, राइट। कंपोनेंट्स मस्ट बी वेल डॉक्यूमेंटेड सो दे रीयूज और यूज इज नॉट हिंडर्ड। किसी किस्म के कोई हर्डल नहीं आने चाहिए, आपका हर कंपोनेंट वेल डॉक्यूमेंटेड हो, जिसको आपने अनडॉक्यूमेंटेड किया हुआ है हम उसके डॉक्यूमेंट्स को जो है इंटेग्रेट कर लेते हैं, उसका अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, सो दैट के हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, जब ने उसको रीयूज करना है तो किसी किस्म की कोई हिंडेंस का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रिक्ट मॉड्यूलराइजेशन रिड्यूसेस द डोमिनो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द सिस्टम एंड इंक्रीजेस द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू इवॉल्व। यस दिस इज also very important point, we need to understand that particular point, the strict modularization. Yes, you are working on different modules, you are working on the different components, you must be very strict to modularize each component so that to reduce the domino effect of changes in the system and increases the ability of the system to evolve. Yes, आप जितनी भी इसके डोमिनो इफेक्ट्स हैं, मल्टीपल चेंजेस आपके सिस्टम के अंदर आ रही हैं, ठीक है, इंक्रीजिबिलिटी बढ़ रही है, एक्सेप्टेंस चेंजेस को लेना, तो सिस्टम को इवॉल्व करना, इसके पर्टिकुलर में बेनिफिट ये होता है कि जितनी दफा भी आप इवॉल्वेबिलिटी या मेंटेनेबिलिटी की तरफ आते हैं, तो हमें जो है एरर्स का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रिक्ट मॉड्यूलाइजेशन की है, इससे आपके डोमिनो इफेक्ट चेंजेस हैं उसके रिड्यूस होंगे सिस्टम में, ठीक है। बार बार इवॉल्वेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इससे भी आप आस्ते आस्ते रिडक्शन की तरफ आ जाएंगे। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी थ्रू द रीयूज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। यस अगेन मैं बात कर रहा हूँ रीयूजबिलिटी की, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिस समय ऊपर डिस्कस करा था वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया। इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी थ्रू द रीयूज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। यस शॉर्टन्स द डेवलपमेंट टाइम एंड टाइम मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली जब आपको पता चल गया कि यार मेरे सिस्टम पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कोई एक दो मॉड्यूल्स होंगे जो प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपने उनको निकाला, मॉडिफाई किया, रीयूज किया सिस्टम के साथ एसोसिएट किया, दैट्स इट, आपका डेवलपमेंट टाइम भी रिड्यूस होगा। जी नेक्स्ट मूव करते जी, कॉम्पोनेंट्स की कुछ नोशंस है, वी ऑल्सो नीड टू डिस्कस देम, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड डिस्कस, लेट्स हैव अ लुक एट दिस।
components provide a service without regard to where the component is executing or its programming language. Yes, D. No matter what kind of programming language you are using, it will provide a service. अपनी service provide करेगा क्या? Without regard to where the component is executing, कहाँ पे ये component चल रहा है, किस programming language की dependent है? No, ये चीज से आ रही है. They will provide the services. इसलिए तो कहा गया, they will provide a service without regard to where the component is executing, कहाँ पे चल रहा है, और programming language इसका क्या concern है? No matter, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है. A component is an independent executable entity. Yes, that is why, इसीलिए हम इसको कहते हैं. Component क्या है? Component is an independent executable entity that can be made up of one or more executable objects. Yes, that can be made up of one or more executable objects. Remember, it is an independent executable entity. Though no matter what kind of programming language you are using, no matter what it is executing, the components interface is published and all interactions are through the published interface. Remember, the component interface will always be published for the proper functionality and all of its interactions are through the published interface. And all of the interactions, remember, it will be only with the help of published interface. Yes. Non-published interface के जरिए नहीं होगा. It will be with the help of the published interface. जितने भी interactions होंगी. So remember, the interactions will be the published interface. Will be through the published interface. The following component definitions are based on the notions of a component as an element included in a system. Remember, जो मैं आपको following जो component definitions बताने जा रहा हूँ, they are based on the notions of component as an element included in a system rather than a service referenced by a system. No, remember, component as an element included in a system. We will take the component and element included in a system rather than a service referenced by a system. Yes. However, both are compatible with the idea of service as a component. But remember, they can be compatible with the idea of service as a component. Let's have a look. Council, according to Council and Hanneman, a software component. What is component? Component definitions. Let's have a look at the valuable component definitions. What we have concluded till yet from the previous lectures. So what can we concluded? But we can conclude regarding the component definitions. Let's have a look at the Council and Hanneman definition about the software component. A software component is a software element that conforms to a component model. First thing is that conforms to a component model and can be independently deployed and composed without modification. Yes, let's have a look at this. Very, very important point that can be independently deployed. Yes, we can deploy them independently. They are not dependent. As you people know that they are independent modules. They are independent entity that can be independently deployed and composed without modification. Yes, according to a composition standard. Yes. The composition standard that we have discussed earlier. A software component is a software element that conforms to a component model. Secondly, it can be independently deployed and composed without modification. Yes, without kisi modification ke, without kisi alteration ke, that can be deploy karenge. Kyunki hum sara kaam kar chuke hain according to a composition standard. Hum ek composition standard ke tehat chale the. उसी के तहत हम एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी हम उसको डिप्लॉय करें, राइट? तो क्या उसने कहा जी? उसने कहा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक सॉफ्टवेयर एलिमेंट है दैट कंफर्म्स टू अ कंपोनेंट मॉडल एंड कैन बी इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयड एंड कंपोज्ड विदाउट मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अ कंपोजिशन स्टैंडर्ड. जी, इसके बाद
Zippers की क्या कहते हैं जी? Let's have a look at this. A software component is a unit of composition. First of all, a unit of composition with contractually specified interfaces. Yes, contractually and according to him, contractually specified interfaces. These are the contractually specified interfaces and explicit context dependencies only. They are only explicit dependencies, context dependencies only. A software component can be deployed independently. This is to somewhat extent matches with that. A software component can be deployed independently and is subject to composition by third parties. And here, iska difference yahan se kya hoga? They are according to a composition standard, and here he is discussing that the deployed dependency and is subject to a composition by third parties, right? So these are the two definitions. After that, some of the characteristics we need to discuss also. Component characteristics, they are standardized, their independencies, and their composable characteristics. Component characteristics, standardized. Let's have description. Standardized. First of all, component standardization means that a component used in a CBSE, that a component used in a component-based software engineering process has to conform to a standard component model. Yes, इसको standard component model का follow करना बहुत जरूरी है. Component standardization का मतलब ये है कि वो standard component model को follow करे. This model may define component interfaces, जिसमें उसकी definition में उसके interfaces आ रहे होंगे, उसका metadata आ रहा होगा, उसकी documentation आ रही होगी, उसकी composition आ रही होगी, उसकी deployment आ रही होगी. सब चीजें मिलके एक standard component बनाते हैं. कंपोनेंट की स्टैंडर्डाइजेशन तब होती है. सो इसीलिए ये कंपोनेंट की स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगी? कंपोनेंट स्टैंडर्डाइजेशन मींस दैट अ कंपोनेंट यूज्ड इन अ सीबीएसई प्रोसेस हैज टू कंफर्म टू अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट मॉडल. क्या? दिस मॉडल मे बी डिफाइंड कंपोनेंट इंटरफेसेस हो, उसमें कंपोनेंट मेटाडाटा हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, कंपोजिशन हो, और उसकी डिप्लॉयमेंट के बारे में बताया गया. राइट. Independencies में क्या है? Independent. A component should be independent. Yes. This is also one of the best characteristic of a component. A component should be independent. It should be possible to compose and deploy it without having to use other specific components. Yes. There should not be any kind of concern regarding the deployment. It must be an independent entity. क्योंकि इसकी अपनी functionality, इसकी अपनी correspondences की अपनी execution है. In situations where the components need externally provided services, अगर किसी situation में component needs externally provided services, component को externally services की जरूरत पड़ जाती है, so these should be explicitly set out in a required interface specification. तो हम इसको explicitly foreign कहाँ पे लेके आएंगे? उसके interface specification, specified interface में इसको लेके आएंगे, जहाँ पे उसकी specification को explicitly हम declare करेंगे, ताकि वो उसकी तरफ ना जाए, इंटरफेरेंस की तरफ, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन के अंदर आ गए. कंपोजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है? फॉर अ कंपोनेंट टू बी कंपोजिबल, एक कंपोनेंट को कंपोजिबल होने के लिए क्या चाहिए? ऑल एक्सटर्नल इंटरेक्शंस मस्ट बी टेक प्लेस. ऑल एक्सटर्नल इंटरेक्शंस, रिमेंबर, तमाम की तमाम जो उसकी जो बैरूनी इंटरेक्शंस हैं, मस्ट टेक प्लेस हो किसके जरिए? थ्रू पब्लिकली डिफाइंड इंटरफेसेस. यहां पे एक्सप्लिसिट नहीं है, यहाँ पे क्या है? पब्लिकली डिफाइंड इंटरफेसेस हो, जिनके जरिए इंटरैक्शंस हो. इन एडिशन, इट मस्ट प्रोवाइड एक्सटर्नल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ. एक्सटर्नली जब इसे इंटरैक्ट करना है, तो इंटरफेस के जरिए ये इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करे. किस लिए? इसकी इंफॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ, सच एज इट्स मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स. ये अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स का भी बताए, क्योंकि जब एट्रीब्यूट्स और मेथड्स का बताएगा तो उसकी कंपोजिशन का भी पता चल जाएगा. सो दैट इज व्हाई इसलिए हम कह रहे हैं कि फॉर अ कंपोनेंट टू बी कंपोजिबल, उसके कंपोजिबल होने के लिए क्या जरूरी है? ऑल एक्सटर्नल इंटरेक्शंस मस्ट टेक प्लेस थ्रू पब्लिकली डिफाइंड इंटरफेसेस. किसके जरिए होंगी? पब्लिकली डिफाइंड इंटरफेसेस के जरिए इंटरेक्शंस होंगी. और इसके अलावा एक्सटर्नल एक्सेस में हम
उसकी कंपोजिशन पे बताएंगे, इटसेल्फ उसके बारे में बताएंगे, उसके मेथड्स और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएंगे, तब उसकी कंपोजिशन का पता चल जाएगा हमें। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं जी उसके डिप्लॉयबल कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज है। टू बी डिप्लॉयबल अ कंपोनेंट हैज टू बी सेल्फ कंटेन्ड, यस। उसको जब हमें डिप्लॉय कराना है कंपोनेंट को, सबसे पहली शर्त है कि वो सेल्फ कंटेन्ड हो। इट मींस इट मस्ट बी एबल टू ऑपरेट एज अ स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट एंटिटी, यस। सेल्फ कंटेन्ड का मतलब कि खुद स्टैंड अलोन एंटिटी हो ऑन अ कंपोनेंट प्लेटफॉर्म that provides an implementation of component model as is pe on component platform that provides usko provide karega kya an implementation of component model jahan pe us component model ki implementation karne hum ja rahe hain us platform mein ek standalone entity hona iska bahut zaruri hai. This usually means that the component is binary and does not have to be compiled before it is deployed. Yes, do surte hain Yes or no में क्या सूरत है कि no तभी definite जब तक ये self compliance में ना आ जाए and does not have to be compiled before it is deployed, right? If component is implement as a service, अगर आप component को implement करवाना चाह रहे हैं as a service, it does not have to be deployed by a user of component. याद रखिए user of component के जरिए deploy ना हो फिर, rather it is deployed by the service provider. जो सर्विस प्रोवाइडर है कंपोनेंट का वो ही इसको डिप्लॉय करे अगर आपने इसको एज अ सर्विस लेना है, अदरवाइज आप डिप्लॉय नहीं करेंगे इसको। डॉक्यूमेंटेड में क्या है जी, कंपोनेंट्स हैव टू बी फुली डॉक्यूमेंटेड, जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में बात दोबारा आती है कि कंपोनेंट्स हैव टू बी फुली डॉक्यूमेंटेड, हर कंपोनेंट आपका डॉक्यूमेंटेड हो प्रॉपरली, सो उसका मेटा डाटा, उसके इंटरफेसेस, उसका एट्रीब्यूट्स प्रॉपर डिजाइन बताया गया हो, फुली डॉक्यूमेंटेड हो, so that potential users can decide whether or not the components meet their needs. ये भी हो सकता है कि जो component user इस्तेमाल करना चाहता है अपने system की productivity बढ़ाने में, ये वो component नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको documented नहीं किया, मैंने document नहीं बताया। ये ना हो कि वो उस wrong entity को ले ले अपने system के अंदर, नहीं। इसलिए documented होना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि components meet their needs, the syntax and ideally the semantics of all component interfaces should be specified. The syntax aur uska semantics jitne bhi uske rules and regulation hai kawaid aur qanoon us component ke interface se relevant aur uske modules se relevant ye sare aapke document mein hone chahiye. So it means it must be fully documented. Ye bhi iski characteristic hai component ki in CBSE. So these are the things that I need to discuss with you my dear students. सो अगले लेक्चर में जी हम मजीद डिस्कस करेंगे। सो उस वक्त के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।